सुनो जी नौजवानों, गौर से सुनो, समझो, मस्जिद कलीला का आज का जो जुमा है, जो 6 रबीउल अव्वल 1440 पर 5 हिजरी 20 पर 2 सितंबर 2023 का ये जो जुमा है, इस जुमा का ये तोहफा समझो, इस जुमा का ये तोहफा समझो। अल्लाह के रसूल के अल्फाज, तूबा लिमन रानी व आमन बी, खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लेकर के आए। सुभान अल्लाह, समझ में आई हदीस? जिसने मुझे देखा, सहाबा इकराम है, जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लेकर आए उसके लिए खुशखबरी है। अभी हदीस देख के पढ़ लेता हूं। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूबा सबा मर्रत, तूबा सबा मर्रत, 7 मर्तबा खुशखबरी है उनके लिए एक बार, और आने वाली जो हदीस के अल्फाज हैं, 7 मर्तबा खुशखबरी है। शेख अल्बानी ने अल हदीस सहीहा के अंदर इस हदीस को पेश किया है, तूबा लिमन रम लिमन लम यरानी, जिसने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा नहीं। सुभान अल्लाह, हम हैं उसमें, हम देखे नहीं अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हमें देखा नहीं उसके बावजूद मुझ पर ईमान लेकर के आते हैं, ऐसे लोगों के लिए 7 मर्तबा खुशखबरी है। अल्लाह हमारा ईमान नबी की जात पर बढ़ाए। जी हां, हमारा ईमान अल्लाह अल्लाह के रसूल की जात पर, यह पहला हक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो। और ईमान में एक चीज उलमा ने लिखा है, वो बोलकर आगे जाऊंगा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ईमान क्या हो? ईमान क्या हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके पैगंबर हैं, पहली चीज।